और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, आरएस देवाराम सैनी एपीओ, महिपाल सिंह को भी एपीओ किया गया। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो एक्शन लेना शुरू हो चुका है जयपुर से जानकारी। और जो एपीओ का पूरी जानकारी जो मिल रही है, फोर्स इंडिया आपको दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहे हैं, आरएस देवाराम सैनी को एपीओ कर दिया गया, महिपाल सिंह को भी एपीओ कर दिया गया। कार्मिक विभाग ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। डॉक्टर ऋतुराज सहोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ऋतुराज जी, जरा जानकारी दीजिएगा विस्तार से। देखिए, जो सीएम के पूर्व के जो दो ओएसडी थे, आज उनको भी एपीओ कर दिया गया है। देवाराम सैनी और महिपाल सिंह हैं, इनको एपीओ कर दिया गया है। अब नए सिरे से चूंकि सीएमओ में अधिकारियों की नियुक्ति होगी, तो उसी क्रम में ये तमाम आदेश जारी किए गए। पहले इसी क्रम में जो आईएएस है कुलदीप राका, सहित गौरव गोयल, आरती डोगरा, इन सभी को एपीओ कर दिया गया था। अब इनको नई पोस्टिंग का इंतजार है। इन तमाम आईएएस अधिकारियों को जो पूर्व के जो ओएसडी थे, बाकी बचे थे, इनको भी अब एपीओ कर दिया गया है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि सभी की संवेद साथ में कोई लिस्ट जरूर आ सकती है, या फिर यह इंतजार किया जाएगा कि जो 31 दिसंबर को सभी के जो आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन होते हैं अलग अलग स्केल में, वो होने के बाद फिर ये लिस्ट जारी होगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये कब सूची जारी होती है और कब सीएमओ का विधिवत रूप से गठन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए ऋतुराज जी।